हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है हाउ टू शेव योर आईब्रोज एंड अपर लिप्स आल्सो। सो गाइस, आपने ये टूल देखा होगा, आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी होंगे इस टूल से, बट लोगों को अभी तक इसका यूज़ करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पता है। ये आईब्रो रेजर मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अमेज़ॉन पे ये कुछ अप्रॉक्स 120 या 130 का था और मीशो पे 80 या 70 का था, बट मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मार्केट में ये 70 80 से भी चीप प्राइस में मिला था। ये पैकेट मुझे 45 रुपीज़ का मिला था। आप किसी भी आपके पास वाले शॉप पे जाके ले सकते हैं। तो आप इसको प्लीज़ जब भी यूज़ करें तो सबसे पहले अपने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको यूज़ करने का तरीका नहीं पता होगा तो मे बी आपके कट्स लग सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको मेरे हाथ पे करके दिखाया है। ये देखो, आप मेरे हेयर की ग्रोथ देख सकते हैं। तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने इस रेज़र को अप्लाई किया है, तो आप देखो कितना इजीली ये मेरे हैंड को क्लीन कर दिया। आप अपने इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको पहले शेव करा, मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है गाइज इसको यूज़ करने की। अगर आपको नहीं हो इसकी प्रैक्टिस, तो सबसे पहले आप इसका डेमो हाथ पे ही लीजिएगा, डायरेक्ट आईज़ पे मत लेके जाइए, क्योंकि आईज सेंसिटिव पार्ट है तो आपको वहाँ पे कट भी लग सकता है। तो ये देखिए, अब मैं अपने आ चुकी हूँ अपनी आईब्रोज पे। आप मेरे आईब्रोज देख सकते हैं, इस पर बहुत सारे हेयर्स हो चुके हैं। अब मैं आपको एक आईब्रो का पोर्शन इसको बिल्कुल क्लीन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्मॉल स्मॉल पोर्शन लेंगे डायरेक्ट एक साथ। तो मैं पीछे की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से धीरे धीरे अपने हेयर्स के डायरेक्शन में अपना रेज़र यूज़ करूँगी और अपने हेयर्स को निकालूंगी। तो गाइस, रेज़र यूज़ करते वक्त आपको ये याद रखना है कि जो आपका हैंड है वो बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, लूज हैंड से करना। अगर आप टाइट हैंड से करेंगे तो आपकी स्किन में डेफिनेटली कट लगने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो मैं बिल्कुल अपने फ्री हैंड से अपनी आईब्रोज के एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसकी कम्प्लीट शेप भी दे सकते हैं। मैं पूरी शेप नहीं दूंगी, बस मैं अपने एक्स्ट्रा हेयर से निकालूंगी और अपनी आईब्रो को कंप्लीट करूंगी। गाइज, ये इतना पेनलेस मेथड है अपनी आईब्रो को फाइन लुक देने के लिए। अब मैं तो है ना बहुत कम हेयर पार्लर जाती हूँ। अगर मुझे कुछ अगर शेप्स में चेंज करवाना होता है तभी मैं पार्लर जाती हूँ, अदरवाइज मैं घर में ही रेज़र के थ्रू कर लेती हूँ। इससे पैसे भी बच जाते हैं और जो पेन अपन जाके पार्लर में जाके सहते हैं वो भी नहीं सहना पड़ता है अब। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। और अपर लिप्स में गाइज, मैं तो बहुत ज़्यादा डरती थी पार्लर में बनवाने से, इसलिए मैं वैक्स का यूज़ करती थी, बट अब तो मैं रेज़र का ही यूज़ करके अपनी अपर लिप्स घर पे ही बना लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा है। बट बस जिन बातों का जो मैंने बोला है उन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए और आपकी आईब्रो बहुत अच्छी बन जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो में कितना अलग लुक आ गया है। आप दूसरी आईज़ में देख सकते हैं और इस वाली आईज़ में देख सकते हैं कितनी क्लीन हो चुकी है मेरी आईब्रो। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें और यूज़ करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा आईब्रो को क्लीन करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।